पता से रबड़ी की रेसिपी बता दें। बिल्कुल ठीक है, नाम तो बता दें। मैं मिसेस रफीक बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस रफीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल पता चल रहा था कि आप रेडियो पे सुन रही थी, क्योंकि वो बहुत सीटियां बज रही थी आपके और हमारे यू नो रबते के दरमियान। एक यू नो कुछ रॉकिंग बॉयज बैठे हुए थे जो हमें ना बात करने में इंटरप्शन कर रहे थे। खैर, थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। हम आपको रबड़ी का तरीक़ेकार बिल्कुल बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको तो बता दें, रेहाना ने जो हमसे पूछा है, मटर का पुलाव। चलिए जी, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मटर का पुलाव आप कैसे बनाएंगे? आपने आधा किलो चावल लेने हैं और दो एक किलो चावल लेने हैं और 2 कप आप मटर ले लीजिएगा। इसके अंदर अगर आप आलू डालना चाहें तो आधा किलो आलू भी डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप ले लीजिएगा गरम मसाला, मिक्स साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर ज़ीरा, साथ में काला ज़ीरा लीजिएगा, काला वाला ज़ीरा, ठीक है, काला ज़ीरा, इलायची, दारचीनी का टुकड़ा, लौंग का, काली मिर्च साबुत, तेज़पत्ता वगैरह, पूरा मिक्स गरम मसाला आपने 1 खाने का चम्मच ले लेना। 4 अदद बादियान के फूल भी इसमें डाल दीजिएगा, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। और इसके अंदर आपने ले लेना है 1 चाय का चम्मच आपने लेना है नमक का, और तकरीबन 10 से 12 आपने गोल वाली मिर्चें ले लेनी है, 1 अदद आपने प्याज ले लेना है, और इसके साथ आधा कप के जितना ऑयल ले लीजिएगा। राइस जो आपने लिए हैं उसको, राइस को आपने पहले से भिगो दीजिएगा, बासमती राइस ले लीजिएगा ज़्यादा अच्छा, भिगो दीजिएगा। आपने ऑयल गर्म करना है और उसके अंदर आपने आधा कप ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गया तो अब आपने क्या करना है, प्याज के अंदर आपने डाल देना है गर्म मसाला। गर्म मसाले को थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा ताकि उसकी खुशबू आए। जैसे ही आपको लगे कि वैसे खुशबू उसकी आनी शुरू होगी, तब आपने क्या करना है, इसमें 2 कप पानी डाल दीजिएगा। 2 कप पानी के साथ अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो मटर और आलू दोनों डाल दीजिएगा, मटर आलू दोनों आपने डाल देने हैं। 1 चाय का चम्मच मोटी काली मिर्च कुटी हुई इसमें शामिल कर दीजिएगा, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 2 से 3 बॉयल आने लगे तो अब आपने क्या करना है, 1 गड्ढी पुदीने की बारीक काट के वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जो चावल आपने भिगो के रखे हैं वो राइस डालिएगा इसके अंदर। फिर आपको लगे अगर कम है पानी तो फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अब आपने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। इसमें अदरक लहसुन ना डालिएगा, बाज दफा ऐसा होता है कि मटर के पुलाव की वो जो खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है। बस आपने गरम मसाले के साथ ही बनाना है। जब देखिएगा कि आपको लगे कि ये दम पे आने लगे तो थोड़े से बादियान के फूल को कूट के ऊपर से वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद आप हरी मिर्चें तो आपने पहले ही डाल देनी है, जब आप अदरक लहसुन डालेंगे तभी हरी मिर्च, जब आप प्याज ब्राउन करेंगे तो तभी आपने गरम मसाले के साथ ही डाल देना है। फिर बिल्कुल आपने जब इसको दम पे आ जाए, चूल्हा बंद करके आपने इसके अंदर थोड़ा सा बादियान के फूल डाल दीजिएगा, पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, ऊपर से फ्राइड प्याज डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मटर का पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, मटर का पुलाव तैयार हो गया। हमें मैसेज आया है, मुझे सादा केक बनाना बता दें विदाउट ओवन, सबा फ्रॉम कराची। और सबा के मैसेज से मुझे याद आया कि इनोसेंट उम्मी ने एक रेसिपी कल पूछी थी और आपने कहा था कि मैं कल बताऊंगी। अच्छा, वो उसकी थी ना, नाम तो मेरे भी जहन में रहा, मजेदार वाला नाम है और मैंने सिर्फ एक ही दफा चैनल में करके नहीं गलती नहीं वो था ना, अभी बता रहे हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं उसका, नाराज हो गए, काफी देर से कॉल ब्लिंक कर रही थी। फातिमा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, आपी मंदी की रेसिपी बता दें, ठीक है, सादा केक की रेसिपी बता दें, ठीक है। इसके अलावा हमें रेहाना को अभी कीमा करेले भी बताना है। इसके अलावा उरूज ने कहा, अच्छा उरूज ने कहा था कि अच्छा उरूज ने सिर्फ तारीफें की थी, बहुत शुक्रिया उरूज। कदीर का मैसेज है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी सिस्टर कैसी है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन ना देखने वाला था, लाइव सेशन वालों के लिए था ये। तो कौन सी वाली, रेदा सिस्टर या रबिया सिस्टर? हाँ, मैंने तो दे दिया ऐसे ही जवाब ना, तो मैं तो बहन बन गई पाप से, मैं होंगी, मैं भी होंगी। अच्छा, ऐसी सबकी रेदा वाली हूँ, क्यूट सी है तो आप होंगी। नहीं, हाँ ये भी सही है, तंग कर रही हूँ मैं। अच्छा, कमल का मैसेज है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, उन्होंने कहा कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक हैं हम दोनों। हमने कहा बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और हमको हलवा पूरी की तरकीब बता दें, थैंक यू। अब हलवा पूरी का जिक्र किया है ना, तो पाए तकमील तक तो पहुँचाना पड़ेगा इसको। चलिए बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हलवा पूरी भाई, ये सीजन है वैसे उसी का, इस मौसम में बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, घर में बनाएं साफ ऑयल, साफ चीजों के अंदर,
तो मज़ा आता है तभी खाने में। और बाकी घर की बनती भी बड़ी टेस्टी है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा चनों का, एक पाव चने लीजिएगा, उसको आपने बहुत अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसके अंदर आपने डालना है चौथाई चाय का चम्मच खाने का सोडा, और तकरीबन आपने 3 गिलास पानी डाल के उसको ढक के रख दीजिएगा। 2 से 3 घंटे तक वो बड़ी अच्छे से फूल जाएंगे। उसी पानी के साथ आपने हल्की आग पे इसको चढ़ा दीजिएगा। जब बहुत अच्छे से पक जाएंगे, गल जाएंगे, अब लकड़ी के चम्मच से थोड़ा सा इसको घोट लीजिएगा। बड़े अच्छे गल जाते हैं अगर उसी पानी में आप इसको पकाएं। लकड़ी के चम्मच से घोट दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिएगा और 1 चुटकी के जितना जर्दे का रंग डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसका मसाला तैयार करना है। दूसरी साइड पे आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल को गर्म कर लीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक प्याले के अंदर आपने कुटी हुई मिर्चें 2 चाय के चम्मच ले ली हैं, आधी चाय का चम्मच सौंफ, आधी चाय का चम्मच राई, आधी चाय का चम्मच कलौंजी, आधी चाय का चम्मच मेथी दाना। ठीक है, राई, कलौंजी, मेथी दाना, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चम्मच आपने जो सूखी मेथी है कसूरी मेथी वो ले लीजिएगा। गरम ऑयल के अंदर ये डाला, उसको मिक्स किया और आपने तड़का उसका लगा दिया। बहुत मज़ेदार से ये चने की जो तरकारी है वो तैयार हो जाएगी। आलू का भी बहुत आसान है। आलू आपने छिलकों के साथ धोने हैं, धो के काट के पानी के साथ उसको चढ़ा दीजिएगा। पानी के साथ जब आप उसको चढ़ाएंगे, उसी के अंदर आपने डाल देनी है लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, इसके साथ नमक आधी चाय का चम्मच, ये आधा किलो का बता रही हूँ, आधी चाय का चम्मच नमक, थोड़ा सा आपने इसमें सौंफ, फ्राई, कलौंजी, ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको चढ़ा देना। लाल मिर्च, नमक, राई, कलौंजी, अचारी मसाला डालकर आपने हल्की आग पर इसको चढ़ा दीजिएगा। जब देखिएगा वो गल गए, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के कॉर्नफ्लोर डालिएगा। पहले तो आपने लकड़ी के चम्मच से घोटना, फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच आपने इसमें ऑयल डाल देना। उसके बाद चूल्हा बंद करके अब आपने क्या करना है, 4 खाने के चम्मच इसमें सिरका शामिल कर देना है। तो ये आलू की तरकारी तैयार हो जाएगी। हलवा और पूरियां तो सिंपल है, आपने फाइन आटा लेना है, उसको गूंदिएगा और पूरियां बनाकर आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हलवा भी ये है कि उसमें 1/2 कप सूजी लीजिएगा, 1 कप चीनी लीजिएगा, 1 कप भी आपने घी ले लेना है। बस आपने सूजी को हल्का सा फ्राई कीजिएगा लेकिन कलर ना आए घी के अंदर। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है तकरीबन 2 गिलास के जितना, 2 से 2.5 गिलास भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेगा, चीनी डालेगा और हल्की आप इसको पकने दीजिएगा। पक पक के बिल्कुल शीरे की तरह हो जाएगा। आखिर में थोड़ी सी इलायची डाल दीजिएगा और बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा। तो हलवा, पूरी और चने तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कदीर का मैसेज है, उनका दोनों सिस्टर से सलाम किया है मैंने, दोनों को क्यूट कहा है। बहुत शुक्रिया, खुश रहे आप। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर मुस्कुराहटे बिखेरने के लिए, 2 किलो खून बढ़ाने के लिए। कमल कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अच्छा शामिल कर लेता है मैसेज, हलवा पूरी की रेसिपी हमने बता दी आपको। कमल एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो कॉलर है ना, बार बार जो कॉल कर रहे हैं, जिनके अभी कॉल हम शामिल नहीं कर सके थे, आई एम श्योर कि यही दोबारा कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल को भी हम शामिल कर लेंगे, कर ही लेते हैं अभी, एक काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप क्या खा रहे हैं आप? नहीं खा कुछ नहीं रहा हूँ, कब से मैं बुरा हाल। ओहो, तो आपने रेसिपी बताई थी रिदा ने आपको कि कहवा वगैरह बना के पिए, तो वो किया? कहाँ किया, अरे बाजार ही नहीं गया अभी तो, बाजार ही नहीं तक नहीं आपने वो ट्राई किया यार, मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है बाप। हमारे प्यार की इंतहा है कि इतनी बीमारी में भी आपको याद रखते हैं। लेकिन प्यार के इंतहा कुछ ऐसे भी अपने साथ थोड़ा सा कर लें, हमसे भी प्यार हो जाएगा वो, और आपका खुद अपनी जात के लिए भी होगा कि हमने जो बताया उस पर आप इम्प्लीमेंट कर लें थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लें तो ऐसे भी प्यार का इजहार हो जाएगा थोड़ा सा। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का शो इतना अच्छा है कि हमें दिन में भी चांद नजर आया करता। शुक्रिया। हेलो जी, मैंने कहा है शुक्रिया। जी ठीक है, मुझे चिकन जिंजर की रेसिपी चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल बता दें चिकन जिंजर की रेसिपी, लेकिन आप बनाते तो है ही नहीं, बाजार तो जाए प्रोडक्ट्स तो लेकर आए, कहवा नहीं बन रहा आपसे, आपका पूरा गला जकड़ा हुआ है और पहले से ज्यादा बुरी हालत हो गई है गले की। तारिक खिलजी साहब, बराए मेहरबानी खुद पर रहम कीजिए और खुद से भी मोहब्बत कीजिए। इतनी मोहब्बत है जितनी आप दूसरों से कर रहे हैं, उसका 50% भी आप अपने आप से कर लेंगे तो बड़ा जरूरी है। कुछ हमारी हमारे जिस्म पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने सेहत से अगर नवाजा है तो उसका ख्याल रखें। और चिकन जिंजर खानी है लेकिन क्या हुआ, बना के नहीं पीना, सेहत ठीक नहीं करनी है। हाँ, मतलब मतलब क्या है ये भाई, पहले आप अपनी सेहत देखें, देखिए सेहत अच्छी होगी तो आप सब
चीजें खा सकेंगे, हजम कर सकेंगे। अब आप क्या करें जल्दी से, अब आपको चिकन जिंजर की रेसिपी नहीं बताएंगे जब तक कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा, अपने कहवा नहीं बना के पिया। ठीक है हाँ, ये ठीक है, टिट फॉर टैट, ऐसे ही भाई। बस अभी आप करें, चूल्हे पे पानी रखें, 2 कप पानी में उबाल आएगा, एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिएगा, थोड़ी सी वही काली वाली जो पत्ती चाय की पत्ती होती है वो आपने एक चुटकी डाल देनी है। ठीक है, थोड़ी सी उसमें अदरक बारीक काट के डाल दीजिएगा, एक चुटकी कितना नमक, एक चुटकी कितनी हल्दी, ये पूरा कहवा तैयार हो जाएगा। अब आपने उसमें डालना है कप में, थोड़ी सी शहद डालनी है, उसको पिए और सो जाए, आपका फ्लू भी ठीक हो जाएगा, आपका गला भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे चिकन में जो जिंजर है ना, आप कहवा में ऐड कर सकते हैं, मतलब करें आप। और ये देखें जरा कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। दिस इज इनोसेंट उमी, बीआईआर कोई दुश्मनी निकाल रही हो क्या, मेरे मैसेजेस मिस कर रही हो, ना कोई रेसिपी बता रही हो, गुले फिरदौस कब से पूछ रखा है, मैंने मैसेज शामिल नहीं करी हो, प्लीज बता दो यार, आई एम रियली सॉरी। ये इन्होंने मैसेज लिखा है, मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं है इसके जवाब में, सिर्फ मैसेज पढ़ा है मैंने। रिदा मैंने जिक्र नहीं किया गुले फिरदौस का, बिल्कुल कहा था मैंने, कहा मैसेज आए बगैर मैंने रेसिपी निकाल लेती हूँ और मैं आपको बता दूं। वैसे आप मेरा नाम लेके आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, आप नाम लिखे रिदा आफ्ताब और रेसिपी का नाम लिखे, आपको वो रेसिपी वैसे मिल जाएगी। मैंने बहुत पहले बनाई थी, मुझे सही तरह से उसकी रेसिपी पूरी याद नहीं है। उस राइस से बनती है और सब मैं देखती हूँ ब्रेक से, अभी कोई दीवार करीब होती ना मैं सर मार भी लेती उसमें, लेकिन अभी सीट पे बैठी हुई हूँ, अभी प्रोग्राम कर लूँ उसके बाद। हालांकि उन्होंने कहा भी था, अभी मैंने कहा था ना, अभी कहा था कि भाई गुले फरदोस की रेसिपी बतानी है, लास्ट टाइम पे हमारी कौन सी रेसिपी रहेगी थी, तो मैंने कहा ये कह लिए। हाँ बस देखिए कैसे कैसे देखिए, आपको याद ही रखा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात याद भी रखा, इनकी रेसिपी भी याद रखी, इनका जिक्र भी किया, फिर भी मसला है, मतलब फिर भी मसला है। एक ब्रेक शामिल करें प्रोग्राम में, यू नो आई नीड अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक शामिल करें, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून्ड। मजाक करती हूं वैसे। I got free fuel. Free fuel? How? 100. Karachi. Lahore. Islamabad. Hyderabad. Rahim Yar Khan. Multan. Abbottabad. Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar. FM. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. हैदर से कराची तक आपका हम सफर। जार शाजामा तगाड़े हार शाजामा भूखे मिलना रैन न जागे, जागे ना रैन न जागे, visit our website www.fm100pakistan.com, like us on Facebook FM247365, follow us on Twitter FM_100_pakistan, follow us on Instagram FM100Pakistan, subscribe to our YouTube channel FM100Pakistan, download FM100 mobile app right now from your app store. Welcome to FM100 network.
Listen live your favorite station. Latest news. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. Right now, welcome back. वापस आ गए प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल. मैं हूँ रबिया राजपूत. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुकिंग एक्सपर्ट जिद आफ्ताब. आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स हमारे साथ साथ. हमें जनाब रबड़ी की रेसिपी बतानी है, मुझे याद है, और गुले फिरदौस भी रिदा को याद है. याद आ गई. मैंने बताया था ना काफी टाइम पहले, मैंने एक ही दफा बनाई थी. अच्छा, मुझे याद दिलाया उन्होंने, तो मैं दोबारा अपने शो में भी बना लूंगी, ताकि काफी पुरानी बात है और मेरे खुद की भी जहन से निकल गई कि उसमें क्या. ये मुझे याद था कि राइस को फ्राई करके उसको बनाते हैं. तो चलें हम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा. इसके लिए क्या है कि आपने लेना है तकरीबन एक लीटर के जितना दूध और आधा कप के जितने चावल ले लीजिएगा. इसके अंदर गुलाब की पत्तियां डलती हैं, जो ड्राई वाली खुश वाली. एक कप के जितनी आपने खुश गुलाब की पत्तियां ले लीजिएगा, ठीक है. और इसके अंदर इलायची ले लीजिएगा 3 से 4 अदद. क्रीम ले लीजिएगा एक, मतलब जो पैकेट आता है एक पैकेट क्रीम का ले लीजिएगा. इसके बाद आपने पाइनएप्पल का पूरा 1 टिन ले लीजिएगा. साथ में ड्राई फ्रूट्स मिक्स सारे ले लीजिएगा. बादाम, पिस्ता, किशमिश वगैरह जो जो आप डालना चाहें वो बादाम, पिस्ता, किशमिश ले लीजिएगा. इलायची जैसे 1 से 2 इलायची ले लीजिएगा. और 1 कप के इतनी चीनी ले लीजिएगा. 1 कप के जितना आपने कंडेंस मिल्क भी ले लेना है. चावल को क्या कीजिएगा, पहले 2-3 घंटे आपने पहले इसको भिगो देना है. भिगोने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको आपने एक चादर पे फैला दीजिएगा ताकि वो थोड़े से ड्राई हो. उसके बाद आपने बटर या फिर आपने घी ले लेना है 4 से 5 खाने के चम्मच. उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है. चावल को अच्छी तरह से भून लीजिएगा. जब चावलों में एक खुशबू आने लगी कि भून गए, अब इसके अंदर आपने दूध डालना है और दूध डाल के हल्की आप इसको पकने दीजिएगा. खीर के अंदर हम उसको क्या करते हैं, पीस के डालते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं, लेकिन वो घुल जाते हैं, थोड़े थोड़े से दाने मोटे होते हैं. उसको हल्की आग पे रख दीजिएगा. जब पक पक के आपको लगे गाढ़ा हो गया, अब आपने इसमें चीनी डालनी है. इसके अंदर आपने कंडेंस मिल्क डाल देना है, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा और दोबारा इसको पकाएगा. जब देखिएगा कि ये चीनी का पानी खुश्क हो गया, गाढ़ा हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको डिश में निकालेगा. इसके अंदर गुलाब की पत्तियां थोड़ी सी डाल देगा, बीच में पकते हुए भी थोड़ी डाल दीजिएगा. और उसके बाद आपने गुलाब की पत्तियां डाल देगा, ड्राई फ्रूट डाल देगा, क्रीम डाल दीजिएगा, पाइनएप्पल स्लाइस में कटिंग करके डाल दीजिएगा. इस तरह से ये हैदराबादी ये डिश होती है, गुले फिरदौस. तो ये हैदराबाद की डिश होती है. तो ये तैयार हो जाएगी. थोड़ी सी खीर से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसके अंदर पाइनएप्पल डाले जाते हैं, पाइनएप्पल से सर्व किया जाता है और गुलाब की पत्तियां इसमें डलती हैं. तो बस आप ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा. थोड़ा सा इसमें रोज वाटर भी डाल दिएगा, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है. तो तकरीबन खीर से मिलती जुलती है, लेकिन इसको जरा सा फ्राई करके डाले जाते हैं इसके अंदर चावल. खराब तो नहीं हो जाएंगे? उसी तरह से गाढ़ी होती है, पाइनएप्पल डाले होते हैं और दूसरा होता है गुलाब की पत्तियां इसमें डाली जाती हैं. और चावल थोड़े से मोटे होते हैं, मतलब दाने होते हैं, पिसे भी नहीं जल सही होते, वो दूध के अंदर ही पकते रहते हैं. ठीक है, चलें बिल्कुल. हमारे पास एक कॉलर भी है, लेकिन कॉलर को शामिल करने से पहले आपको बता दें कि लाइव स्टेशन पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव स्टेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. व्हाई? बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें फीडबैक आएगी और उतना ही ज्यादा हमें पता चलेगा कि आप कितना पसंद कर रहे हैं. और फिर उसी तरीके से इस काम की जो स्पीड है ना, फिर आप कहते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आते, तो आप लाइव आ रहे हैं. तो शेयर कीजिए इस लाइव सेशन को, साथ साथ कॉमेंट्स भी कीजिए. मैं आप लोगों के कॉमेंट्स भी शामिल कर लेती हूँ. हमें जो लाइव सेशन पे कमेंट्स आ रहे हैं उनमें हुसैन अशरफ, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये कॉलर भी है, कॉलर को भी शामिल करते हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आपकी कॉल मिल गई है, रेडियो सुनना बंद कर दें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आपस में बातें कर लें, आपस में बातें कर लें, यकीन कर लें कि आपकी कॉल मिल गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहां से बात कर रही है, रेडियो तो बंद कर दें. मैं आबदा सुल्तान बात कर रही हूं. आबदा, पहली बार तो कॉल नहीं कर रही हैं आप, तो रेडियो बंद कर दें. आवाज नहीं आ रही. हमसे बात कर लें, हमसे. रोटी का हलवा बता दें. क्या बताएं? लौकी का हलवा. लौकी का हलवा, आवाज तो खूब आ रही है, इसका मतलब है जी? आवाज तो आप तक आ रही है आपदा. तो भाई ये आपस में बातें बातें कर लिया करें हमको कॉल करने से पहले.
शोर हो रहा है उनके बैकग्राउंड में, बहुत लोग हैं, शादी का घर लग रहा है, मेहमान आए हैं। सो बहुत शुक्रिया आपदा सुल्तान आपकी कॉल का, हमारी पहली बार तो कॉल नहीं किया इन्होंने, करती रहती हैं ये। तो लौकी का हलवा इनको बता देते हैं और उसके बाद फिर हम लाइव सेशन पे आने वाले कमेंट्स में शामिल करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा लौकी का हलवा। चलिए जी, नोट कर लीजिएगा। आपने लेना तकरीबन 3 से 4 किलो की जितनी लौकी, उसको पहले आपने छीलने के बाद कद्दूकश कीजिएगा। कद्दूकश करते वक्त आपने पानी रखिएगा, पानी के अंदर उसको फौरन डालते वरना काली पड़ जाती है, ठीक है। कद्दूकश कर लिया, उसको पानी के अंदर डाला, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पानी से निकाल कर आपने हल्की आग पे उसको पकने देना है। बिल्कुल हल्की आग रखिएगा, इसलिए कि लौकी जरा सा टाइम लेती है गलने में। जब देखिएगा उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, आपको लगा वो गल गई है, अब आपने इसमें घी डालना है। तकरीबन 1 पाव के जितना घी डाल के इसकी खूब अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। जब बहुत अच्छे से भुन जाएगी, अब आपने इसमें 2 कप चीनी डाल दीजिएगा, 3 से 4 इलायची कूट के डाल दीजिएगा। मजीद आपने इसको और भूनना है, चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा। अब आपने 2 कप के इतने खुश्क दूध, जो ड्राई मिल्क होता है, वो आपने इसमें डाल देना है। ड्राई मिल्क डाल के इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, मिक्स बादाम पिस्ते वगैरह नारियल जो डाल जाए वो आपने इसमें डाल देना है। और आखिर में आपने क्या करना है, चूल्हा बंद करके थोड़ा सा आपने खोया डाल देना है। तो इस तरह से लौकी का हलवा जो है तैयार है। सेम इसी तरह से गाजर का हलवा भी बनता है, ठीक है। बस गाजर को कद्दूकश करने में वक्त लगता है? नहीं, लौकी को भी कद्दूकश करने में, बल्कि लौकी ज्यादा मुश्किल से होती है। अच्छा। गाजर आसानी से हो जाती है कद्दूकश। अच्छा, हमारे तो जब लौकी का, या लौकी का तो खैर मुझे नहीं याद, लेकिन जब भी गाजर का हलवा बनता है तो सारे बहन भाई बैठे होते हैं और कद्दूकश हो रही होती है। गाजर अब सबको पता है कि भाई गाजर का हलवा बन रहा है। सही सही, तो ये होता है। अच्छा, सराउद्दीन सदारुद्दीन का मैसेज है। सदारुद्दीन हुंजई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों कैसी हैं मैडम? बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद खान का मैसेज है, उनका जबरदस्त प्रोग्राम। इसके अलावा शफाउल्लाह नियाजी कह रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ सीखना चाह रहा हूँ, कब से आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, ऑनलाइन हूँ मैं। तो आपका कमेंट हमने ऑनलाइन पढ़ लिया है। क्या सीखना चाह रहे हैं, ये सिखाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर सीखना चाहें, ऑफिस में एक हजरत आए, उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई ऑडियो का मसला था, जाहिर मेरा ऑडियो का काम है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऑडियो फाइल ना इस फॉर्मेट पे आई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका ना एक जो ऑथेंटिक बंदा है टेक्निकल, उससे रब्ता करवा देती हूँ, वो आपको सिखा देंगे। बस ये वर्ड इस्तेमाल करना था रिदा, कि सिखा देंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे सीखना नहीं है, आप बस मुझे बता दे। जरा बताना सिखाना नहीं होता, ये मेरे लिए कुछ नया था। जनाब प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म, आपसे इजाजत लेनी होगी। सेगमेंट में मैं आपके साथ मौजूद हूँ, क्योंकि सैटरडे है, यू नो हैप्पी वीकेंड है, तो 3 बजे तक आपके साथ हूँ। रिदा जा रही है, चले इंशाल्लाह अगले जुमा और हफ्ता फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के SMS का, कॉल्स का, और दुआ में याद रखे इंशाल्लाह अगले जुम्मे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। सब आपने कह दिया, मैं भी कुछ कह लूं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़ जी। आप बोले अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। टेक केयर, टाटा बाबा, अल्लाह हाफिज़। रिदा जा रही है, मैं यहीं पर हूँ, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करते हैं हम लोग। मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100.